हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो गाइज, मैंने आज थोड़े ही दिन पहले ना एक ऑर्डर प्लेस किया था दराज से, जो कि मैंने एक हेडसेट मंगवाया था गेमिंग, और वो रेड ड्रैगन का था, ठीक है। और इसकी प्राइस की बात की जाए तो तकरीबन इसकी प्राइस 3000 थी, बट दराज के ऊपर तकरीबन 8 दिन के लिए एक सेल लगी थी, जिसके अंदर अप टू 75% ऑफ मिल रहा था और 25% ऑफ भी था। और लेकिन जो इलेक्ट्रॉनिक्स थे, यानी कि एक्सेसरीज वगैरह थी, उनके ऊपर 15% ऑफ था। तो मैंने भाई इस चीज़ का फ़ायदा उठाया और एक पार्सल प्लेस कर दिया, जो कि ये है अभी मेरे हाथ में पकड़ा हुआ। ये देख लें आप कितना बड़ा है। तो डिब्बा इसके अंदर बिल्कुल छोटा सा ही है, ज़्यादा बड़ा भी नहीं है। अगर आप इसके ऊपर डिटेलिंग वगैरह देखना चाहें तो वो भी देख सकते हैं, दराज की तरफ से मैंने मंगवाया। इसकी प्राइस की बात की जाए तो गाइज, ये तकरीबन मुझे 2150 का पड़ा, यानी कि 2150 रुपये का। और बहुत ही यार ज़्यादा अमेजिंग चीज़ है, मैंने इसे ऑलरेडी ओपन किया हुआ है और सिर्फ आप लोगों के लिए मैंने इसे दोबारा से बंद किया था। और ये है एक गेमिंग हेडसेट। तो बात की जाए तो काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग है ये गेमिंग हेडसेट। अगर आप इसके पीछे बैक पे इसकी स्पेसिफिकेशन देखना चाहें तो आप वो भी पढ़ सकते हैं, बट आई डोंट थिंक कि आप इसे पढ़ सकेंगे, क्योंकि मेरा कैमरा जो है वो बिल्कुल भी फोकस नहीं करता। अभी चलते हैं इसकी अनबॉक्सिंग की तरफ। तो वीडियो को यार आपने पूरा ज़रूर देखना है। गाइस देखें, ये है इसकी सील। तो अभी हम इसकी जो सील है इसे कर लेते हैं ब्रेक। ये देखें, ये इसकी सील थी, इसे ब्रेक कर लिया और इसके बाद हम इसे कर लेते हैं ओपन यहाँ से, एंड यहाँ पर इसे बॉक्स को ओपन कर लेते हैं। ये कुछ इस तरह की पैकिंग में आता है और बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है। ये हमारा जो हेडसेट है, ये अभी मैं साइड पर कर देता हूँ। और इसके साथ कुछ हमें ये चीज़ें मिलती हैं, ये देख सकते हैं आप। सबसे पहले तो ये जो चीज़ है, ये इसे हैंग करने के लिए इसके, यानी कि यहाँ पर लगती है। ये इसके साथ मिली थी लेकिन मुझे मिल नहीं रही थी, पता नहीं कहाँ पर घूम गई थी, लेकिन अभी मिली है भाई, मिल गई, अच्छी बात है। तो इसके बाद जो हमारा बॉक्स है खाली हो जाता है। ये तकरीबन 3 चीज़ें हमें मिली हैं। एक तो हमारा ये जो मोबाइल कनेक्टर है, यानी कि 2-in-1 कनेक्टर है, ये देख सकते हैं आप, ये वाली चीज़ कह रहा हूँ, 2-in-1 कनेक्टर है। और इसके साथ गाइस रेड ड्रैगन की एक हमें गाइड करने वाली बुक मिली है। भैया कौन पढ़ता आज के दौर में, लेकिन फिर भी देख लेते हैं इन्होंने क्या भाई, सारी चाइनीज लिखी है, थोड़ी सी इंग्लिश भी लिखी है, लेकिन कोई बात नहीं चलेगी हमें। तो इसके बाद ये हमें एक रेड ड्रैगन का स्टिकर मिलता है इसके साथ, जो कि काफ़ी अच्छी बात है भाई। अगर आप अपने डेल के सिस्टम को रेड ड्रैगन बनाना चाहते हो, बना लो, ठीक है, अच्छी बात है। सो इसके बाद हमारी आती है मेन डिवाइस, जो कि है ये। तो भाई बड़े शशके वाली डिवाइस है, काफ़ी अच्छा मटेरियल यूज़ किया गया है, चीपेस्ट मटीरियल इसके अंदर बिल्कुल भी यूज़ नहीं किया गया। अगर इसके यहाँ की बात की जाए तो एक बहुत ही ना प्रीमियम सी फील आती है जब बंदा इसे ऐसे ऐसे करता है ना, ऐसे ऐसे, तो ये बिल्कुल प्रीमियम सी फील है। अगर अंदर से देखा जाए तो एक तरह से फोमिक लेदर लगा हुआ है इसके अंदर। और अगर यहाँ की बात की जाए, जो कि इसके फोम लगे हुए हैं, जो और एक बार जब आप इसे अपने कानों में लगा लेते हो ना, तो भैया आपको बाहर की आवाज़ बिल्कुल भी नहीं आती। हाँ थोड़ी सी आती है, लेकिन वो नॉइस रिडक्शन ही कर देता है। अगर आप कोई चीज़ आ रहे हो तो भाई बहुत ही मज़ा आने वाला, ठीक है। इसके साथ हमें ये एक माइक मिलता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग है, गेमर्स के लिए इसे बनाया गया है, कुछ इस तरह का एडजस्टेबल भी है भाई, एडजस्ट भी कर सकते हो आप जितना बड़ा फेस है उसके हिसाब से। और बाकी इसके साथ हमें ये वॉल्यूम अप एंड डाउन का भी मिलता है, यहाँ से हम वॉल्यूम अप एंड डाउन भी कर सकते हैं। और इसकी जो केबल की बात की जाए तो वो भी काफ़ी ज़्यादा लंबी है। एंड गाइस यहाँ की बात की जाए इसकी पिन की, तो ये वही 3.1 के 5 मिलीमीटर वाले जैक्स हैं, काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग है। ये जो पिंक वाली है ये हमारी माइक की वायर है, और ये जो ग्रीन वाली है ये हमारी जो स्पीकर्स की वायर है उनकी, ठीक है। सो आप इसे अपने मोबाइल के साथ भी कनेक्ट कर सकते हो बिल्कुल इजीली। तो गाइज देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग प्रोडक्ट है, बिल्कुल बिल्कुल चीपेस्ट प्राइस में मिली है। अगर आप इसे अभी बाय कर लोगे तो भाई फ़ायदे में रह जाओगे। इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा डील चल रही है, आपको मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगा, हमने वहाँ से बाय करना है। मैंने इसे जेन्युइन रेड ड्रैगन के स्टोर के ऊपर से बाय किया है, काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग प्रोडक्ट लगी है मुझे। और अगर मैं इसे पहन के देखूँ तो भाई
तो भाई अभी मुझे बिल्कुल भी कोई आवाज नहीं आ रही, देखा जाए तो बिल्कुल भी नहीं आ रही यार। और इसके अंदर गाइस बेस भी है थोड़ी सी, यानी कि गेम के हिसाब से बेस भी डाली गई है। और गाइस अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना, और हम मिलेंगे एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।